नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। प्रतापगढ़ के 25,000 के इनामिया शूटर कल्लू डॉन को पट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पट्टी कस्बे में हुई फर्नीचर व्यवसायी की हत्या में शामिल शूटर कल्लू डॉन को पुलिस ने गुरुवार को बीबीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे हत्या में प्रयुक्त 312 बोर का तमंचा बरामद कर उसे जेल भेज दिया। कल्लू डॉन पर एसपी ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पट्टी कस्बे के बाईपास पर बेटे को कॉलेज पहुंचाने जा रहे फर्नीचर व्यवसायी, जिसकी उम्र 45 वर्ष थी, मोहम्मद नईम को 21 मार्च की सुबह 9:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या आरोपित नईम का नाबालिग बेटा पीयूष पाल, शुभम सोनी और प्रियांशु मिश्र उर्फ गोली को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हत्या में प्रकाश में आए मुख्य शूटर पट्टी के ही अंदेवरी निवासी स्वप्नदीप यादव उर्फ कल्लू डॉन और चंदुआ पट्टी कन्हई के आकाश गुप्ता फरार थे। एसपी सतपाल अंतिल ने दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। स्क्वाड टीम प्रभारी सुनील यादव, कोतवाल आलोक सिंह ने गुरुवार को शूटर स्वप्नदीप दीप यादव उर्फ कल्लू डॉन को बीबीपुर नहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पट्टी कस्बे में हुई फर्नीचर व्यवसायी की हत्या मामले में 4 लोगों को पहले ही पट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था और अब स्वप्नदीप यादव उर्फ कल्लू डॉन को पट्टी पुलिस ने जेल भेज दिया है। अभी भी इस मामले के आरोपी आकाश गुप्ता फरार चल रहे हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। प्रतापगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।